अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शमी वेलकम करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में। फ्रेंड, आज की वीडियो का मकसद ये है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, स्पीकर लेने के लिए जो आप लोग हो सके ऐसे स्पीकर आप लोगों ने देखा है मार्केट में दुबई के, क्योंकि ये स्पीकर दुबई में लिया है मार्केट में, ठीक है, दुबई के एक मार्केट में लिया है। इसका प्राइस जो है फ्रेंड 800 दरहम है, ठीक है, 800 दरहम में मेरे फ्रेंड ने लिया है। तो मेरे फ्रेंड के पास फ्रेंड ये हुआ ख़राब, 2-3 महीने के बाद ये हुआ ख़राब। किस वजह से और क्यों ख़राब हुआ मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक शेयर ज़रूर करना, मेरा चैनल नए हो तो सब्सक्राइब करना ताकि आप लोगों को ऐसे अपडेट मिलता रहे। तो फ्रेंड उसने मुझे फिर कहा आप इसको चेक करके देखो इसका क्या प्रॉब्लम है, जो कि अभी तो आप लोग देख रहे हो यार सब कुछ चल रहा है माशाल्लाह, सब कुछ ठीक से चल रहा है। तो ये इसका जो है साउंड का प्रॉब्लम है फ्रेंड, साउंड इसका नहीं आता, बिल्कुल साउंड कुछ भी नहीं आता, ऐसे डम है, साउंड बंद है इसका। और मैंने चेक करके देखा फ्रेंड्स, इसका साउंड जो है बिल्कुल जो है सारे जो है सही हैं, लेकिन इसका साउंड एक एसी की वजह से इसका ख़राबी हुआ। वो एसी बहुत छोटा था इसके अंदर, और मैंने देखा फ्रेंड अभी तक मैंने ये तो मैंने फेक किया, यहाँ पीछे मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, ये जो सिस्टम जो दिया गया है इसके अंदर फ्रेंड एक एसी है जो कि साउंड का है, ठीक है। तो इसका साउंड का एसी फ्रेंड बहुत जो है छोटा दिया गया है, जो कि इसका स्पीकर है फ्रेंड्स बहुत बड़ा। देखो फ्रेंड्स, इसका स्पीकर 2 दिया गया है बहुत बड़ा, और ये कंपनी है क्रॉनी कंपनी है। इसका स्पीकर छोटा है, सॉरी स्पीकर बड़ा है, और इसका जो स्पीकर का जो है वॉल्यूम का साउंड का जो है एसी दिया गया है वो बिल्कुल है छोटे। तो इसने जो है फ्रेंड स्टंट किया है, वॉल्यूम बढ़ाया है, ठीक है। तो फ्रेंड वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से फ्रेंड इसका जो है साउंड एकदम बंद हुआ और इसका एसी का प्रॉब्लम हुआ। तो ये फ्रेंड मैं आप लोगों को कहता हूँ, अगर आप लोगों को जो है स्पीकर लेना है, ठीक है, अगर आप लोगों को ये, मैं बटन ऑन करता हूँ थोड़ा जलवा और भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर स्पीकर लेना चाहते हो तो फ्रेंड ऐसे कंपनी का ले ले, जैसे सोनी और सैमसंग, जो भी अच्छे कंपनी है आप लोगों को तो पता है कंपनी कौन सा अच्छा है, तो वो कंपनी आप ले ले तो आपको बेहतर मिलेगा। उसमें साउंड और आपका जो है उसका सिस्टम जो है अंदर से भी बहुत मज़बूत होगा। जैसे कोई हमको ये बाहर से तो लग रहा है मज़बूत और बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, बट इसका अंदर का जो सिस्टम है वो बिल्कुल काम का नहीं है, ठीक है फ्रेंड। इसके अंदर का सिस्टम बहुत छोटा है फ्रेंड, दिया गया है MP3, यहाँ SD कार्ड, USB, बाकी ये वॉल्यूम दिया गया है, लेकिन ये बिल्कुल जो है काम का नहीं है। ये छोटे छोटे जो है आर है कि MP3 में आप रेडियो को लगा सकते हैं, रेडियो को लगा सकते हो, और साल में अपने जो है कार में भी लगा सकते हो, MP3 का सिस्टम आप हर चीज़ में लगा सकते हो, लेकिन उसमें जो वॉल्यूम आते हैं आवाज़ आते हैं वो बड़ा है फ्रेंड। वो आवाज़ अगर आप ऐसे स्पीकर को अगर लगाओगे तो बिल्कुल डैमेज करेगा आपके चीज़ों को, वो एसी को, सारे इसके अंदर के जो भी सामान्य चीज़ें हैं वो सारे को जो है जला देगा, ठीक है फ्रेंड। आप ऐसा गलती ना करना, अगर आप लेते हो तो अच्छे कंपनी में लेना, मेरा मकसद यही है। अगर आप लेना चाहते हो ऐसे स्पीकर तो आप जो है मार्केट में ऐसा स्पीकर ना ले ले, तो आपको अच्छे कंपनी वाले लेना है, ठीक है फ्रेंड, मेरा मकसद यही है। मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपने ऐसा स्पीकर लिया तो आप समझ लेना ये स्पीकर आपका 1 मंथ या 2 मंथ के बाद बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल काम का नहीं हो जाएगा, तो आपका भी पैसे डूब जाएंगे, तो कुछ भी फ़ायदा नहीं। तो जैसे मेरे फ्रेंड का डूबा है अभी जो इसका एसी जल गया है, अब इसको बनाने के लिए ज़रूर कुछ लगेगा उनको पैसे, मुझे तो पता नहीं लेकिन ज़रूर लगेगा पैसे। तो फेंगे फ्रेंड, स्पीकर बहुत अच्छा है लेकिन इसका साउंड जो है बिल्कुल जाम है, बिल्कुल बंद है, आवाज़ नहीं आता है, मैंने देखा है अंदर से, और भी एक बार मैं आप लोगों को कहूँगा, यहाँ से मैंने देखा है इसका जो वॉल्यूम का जो साउंड को बाहर निकलता है उसका एसी आता है। देखिए फ्रेंड, इसका एसी आते हैं तो इसका जो फ्रेंड्स बिल्कुल वो एसी जल गया है, ठीक है, साउंड की वजह से जो कि स्पीकर बड़े हैं, ठीक है। मेरा मकसद यही है, मैं आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोगों को समझ में आए ऐसे स्पीकर ना ले ले मार्केटों में। आप अगर मार्केट में देखें तो आप सोच समझ के ले ले, मैं नहीं कहता हूं आप मत ले ले, लेकिन आप सोच समझ के ले लें, ऐसा बाहर के जो है जलवा को देख कर जो है उसको फरचाइज मत करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स,
लाइक ज़रूर करना हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करना ताकि आप लोगों को ऐसे अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।